हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज ना। अभी तक हमारा जो सिलेबस हुआ उसको एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे इस सेशन पे, एंड फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू विद द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो अभी तक कंप्लीट हो गया बॉस, नंबर वन इज सिस्टम हो गया, सिस्टम हो गया है ना। आप पेज ओपन कर लीजिए, आपके पास चार्ट्स भी रहेंगे, एंड पेज जैसे जैसे हम रिवाइज करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आपकी कवर भी होती जाएंगी साथ में। यस, तो सिस्टम है। तो सिस्टम में सबसे पहले हमने क्या कवर किया था, व्हाट इज सिस्टम। तो सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स। सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन पर्पज और गोल्स, है ना। देन इसके बाद हमने क्या बताया था, बाउंड्री इज अवेलेबल विद इन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, एंड इन्वायरमेंट इज अवेलेबल आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ऑल एलिमेंट्स आर इंटरलिंक्ड था, यस नो। पोटेंशियल इंटरफेसेस मस्ट बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 1/2 nn-1, एंड सिस्टम जो था बाइफर्केटेड इंटू स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स, एंड इफ वन सब सिस्टम फेल्स इंटायर सिस्टम विल बी डैमेज। देन इसके बाद हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। ये रहा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन में हमने कवर कर लिया था चार तरीके से सिस्टम यहाँ पे थे। बेसिकली हमारे पास एलिमेंट वाइज सिस्टम था, यस नो। इंटरेक्टिव बिहेवियर वाइज सिस्टम, डिग्री ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन था, एंड वर्किंग ऑब्लिक आउटपुट। तो यहाँ पे हमने चार तरीके से सिस्टम कवर कर लिया था। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एलिमेंट वाइज सिस्टम था। एलिमेंट वाइज सिस्टम हमारे पास था अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम एंड फिजिकल सिस्टम। अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम मतलब जहाँ पे हम इंटेंजिबल सेट्स ऑफ एलिमेंट्स, एंड दूसरा जहाँ पे रिलेशनशिप था। फिजिकल सिस्टम में क्या था, देर हैज टू बी अ फिजिकल कंपोनेंट, दे आर स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम। देन इसके बाद हमारे पास आता है ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या था बॉस, इंटरेक्ट्स फ्रीली विद द इन्वायरमेंट एंड चेंज विद द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट। बराबर है, दो पॉइंट थे और एक्स्ट्रा मैंने तीन पॉइंट यहाँ पे कवर किए थे। तो यहाँ पे क्लोज सिस्टम क्या था, डज नॉट इंटरेक्ट, डज नॉट चेंज, यस नो। ये क्या होता है, सेल्फ कंटेंड होता है, दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम द एनवायरमेंट। ओपन सिस्टम इज नॉट इंसुलेटेड। देन इसके बाद क्या बोल रहा था, ये फाइनली रन डाउन और बिकम डिसऑर्गेनाइज, क्योंकि यहाँ पे अपडेशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इंट्रोपी होता है, वहां पे कम इंट्रोपी होता है। ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर टू बी रिलेटिवली ओपन सिस्टम, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट रिलेटिवली क्लोज सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, रिलेटिवली ओपन है, क्यों, क्योंकि कुछ चीज़ें वो पब्लिकली अनाउंस करता है, और कुछ चीज़ें क्या करता है, वो सीक्रेसी, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करता है। तो रिलेटिवली क्लोज सिस्टम है। देन इसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन इंटरवेंशन में हमारे पास था एक तो मैनुअल सिस्टम, दूसरा ऑटोमेटेड सिस्टम। मैनुअल सिस्टम मतलब क्या होता है, वेयर ऑल द डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा रिपोर्टिंग ऑल आर डन बाय 100% मैनुअल एफर्ट्स, एंड इफ दीज टास्क आर डन बाय ईदर यस कंप्यूटर सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड एज वॉट ऑटोमेटेड सिस्टम। देन इसके बाद हमारे पास आता है वर्किंग आउटपुट वाइज, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इफ द स्टेट ऑफ द कंडीशन एंड द स्टेट ऑफ द ऑपरेशन विल गिव द रिजल्ट विदाउट एरर इज कॉल्ड एज वॉट डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम क्या था, इन टर्म्स ऑफ वॉट प्रोबेबल बिहेवियर देर हैज टू बी सर्टेन डिग्री ऑफ एरर हमेशा यहाँ पे रहेगा। मतलब स्टेट ऑफ द कंडीशन एंड स्टेट ऑफ द ऑपरेशन, स्टेट ऑफ द कंडीशन एंड स्टेट ऑफ द ऑपरेशन विल गिव रिजल्ट विद सम एरर, यस और नो। तो एरर के साथ अगर रिजल्ट आता है तो वो क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। नाउ इंफॉर्मेशन का मतलब दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड विल कम टू वर्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में हमारे पास दो चीजें थी, एक तो एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड इन बिजनेस। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है बॉस, इंफॉर्मेशन इज अ डेटा फैक्ट्स विच रिक्वायर्स व्हाट प्रोसेसिंग। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, टू प्रोवाइड व्हाट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू द रेसिपिएंट विच हैज व्हाट रियल और परसीव्ड वैल्यू। तो मैंने क्या बोला, इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट डेटा, यस नो, विच रिक्वायर्स प्रोसेसिंग टू प्रोवाइड व्हाट सम मीनिंगफुल कंटेंट्स टू द रेसिपिएंट इन, यस नो, विच हैज व्हाट रियल वैल्यू। रियल वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू होनी चाहिए, एज पर द करेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए, दैट इज नॉट कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन। अच्छा, देन इसके बाद क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर द बिजनेस डिसीजन। इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन देर इज नो डिसीजन, यस नो। रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इज वॉट, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, यस नो। एंड द क्वालिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने टिप्स आपको बोला था
यस, क्या था टिप्स मैंने आपको जो बताया था, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एमआरएफ का टायर और वैल्यूएबल वीसीपी को कार में क्यों डाला। एम फॉर क्या था, मोड एंड फॉर्मेट, आर फॉर रेट, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, टायर मीन्स ट्रांसपेरेंसी, वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, वी फॉर वैलिडिटी, सी फॉर करेंट ऑब्लिक अपडेटेड इंफॉर्मेशन, पी फॉर पर्पस, सी फॉर कंप्लीटनेस, ए फॉर एडिकेसी अवेलेबिलिटी, आर फॉर रिलायबिलिटी एंड क्यू फॉर क्वालिटी। फिर से हम बोलना चाहेंगे एक बार, पी फॉर क्या था, ओके, एम फॉर मोड एंड फॉर्मेट, आर फॉर रेट, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, टायर मीन्स टाइमलीनेस, यस और नो। देन इसके बाद हमारे पास वैल्यूएबल मीन्स वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, वी फॉर वैलिडिटी, सी फॉर करेंट ऑब्लिक अपडेटेड, पी फॉर पर्पस, सी फॉर कंप्लीटनेस, ए फॉर अवेलेबल होना चाहिए 24/7 आवर्स, यस और नो। देन आर फॉर था रिलायबल, दैट इज एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, एंड द लास्ट पॉइंट हमारे पास क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या होना चाहिए, करेक्ट एक्यूरेट एंड समराइज इंफॉर्मेशन, यस नो। देन इसके बाद हमारे पास आता है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन द बिजनेस। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन तीन तरीके से था बॉस, कौन कौन सा था, एक तो स्ट्रेटजिक लेवल पे, दूसरा था मैनेजमेंट लेवल पे, एंड तीसरा था हमारे पास दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फंक्शनल लेवल, दैट इज ऑपरेशनल लेवल पे। वहां पर मैंने आपको कुछ पॉइंट दिए थे बॉस, 9 पॉइंट्स थे कवर, यस ये रहा हमारे पास टॉप लेवल था, यस कंप्राइज ऑफ मोर एक्सटर्नल लेस इंटरनल इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ डिसीजन, देन यहाँ पे स्ट्रेटजी से रिलेटेड फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन, अगर अफेक्ट होगा, अगर लीक हो गई इंफॉर्मेशन एंड उसका जो पीरियड होता है दैट इज वन इज लॉन्ग टर्म, अनदर इज शॉर्ट टर्म, एंड अनदर इज व्हाट ओनली फंक्शनल प्लानिंग, वहां पे डिसीजंस नहीं होते। देन अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एंड एग्जाम्पल्स। तो यहां पे था रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन द बिजनेस, यस नो। तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद जो हमारे पास आता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, नंबर वन था मॉडल्स। तो मॉडल्स क्या था बॉस, अगर आप याद करो तो आप समझ पाओगे यहां पे, यस। पहला था हमारे पास मॉडल्स, ये रहा। तो मॉडल्स में क्या क्या आ गया, नंबर वन इज डेटा कलेक्शन फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज कवर हो गया, दूसरा था डेटा इज कन्वर्ट सुटेबल फॉर्मेट, तो यहां पे इनपुट हमने बताया था, इनपुट के बाद फॉर्मेट बताया था, फॉर्मेट के बाद इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को क्या कर लो, स्टोर कर लो, बराबर है क्या। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, डेफिनेशन अगर याद करिए, सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड इंटर डिपेंडेंट एलिमेंट्स, ये पहला पॉइंट कवर हो गया। दे शुड वर्किंग टूगेदर, तो नो सब सिस्टम कैन फंक्शन इन आइसोलेशन, तीसरा था देर हैज टू बी कॉमन ऑब्जेक्टिव, फोर्थ इफ वन सब सिस्टम फेल्स इंटायर सिस्टम विल बी डैमेज्ड, यस नो होल सिस्टम विल डज नॉट वर्क, एंड लास्ट पॉइंट कॉमन गोल हैज मोर प्रायोरिटी देन इंडिविजुअल गोल्स। देन इसके बाद आता है मॉडल्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक, नाउ रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस फर्म्स। तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या था, रोल्स, तो एक था, पहला था स्ट्रेटजिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो यहाँ पे नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्यों, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और ये डिसीजन क्या बोलता है, ये डिसीजन लेके हेल्प करता है, एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस ऑपरेशन मतलब TPS की बात यहाँ पे चल रही थी। देन इसके बाद आता है डिफरेंट ISRs डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, तो यहाँ पे था चार, कौन कौन सा, ऑपरेशनल लेवल एकदम नीचे था, देन इसके बाद ऊपर था हमारे पास मिडिल लेवल, लेवल पे था, देन थर्ड इज स्ट्रेटजिक लेवल, फोर्थ इज नॉलेज मैनेजमेंट। तो ऑपरेशनल लेवल सिस्टम, नॉलेज लेवल सिस्टम, मैनेजमेंट लेवल सिस्टम एंड स्ट्रेटजिक लेवल सिस्टम। तो हमने आपको यहां तक बॉस TPS का इंट्रोडक्शन लिखा दिया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिखा दिया, DSS का इंट्रोडक्शन लिखवा दिया, एंड देन इसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज स्ट्रेटजिक लेवल, जो हम इसके आगे सेशन पे करेंगे दैट इज व्हाट कॉल्ड एज EIS एंड देन नॉलेज लेवल सिस्टम। तो चार हो गए यहाँ पे, कौन कौन सा, ऑपरेशनल लेवल, देन मिडिल लेवल, देन इसके बाद स्ट्रेटजिक लेवल एंड नॉलेज लेवल सिस्टम। ना यहाँ पे हमारे पास जो कंप्लीट हो गया दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडल्स, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या था बॉस, कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बता सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम था हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसेस, पीपल, याद आ रहा है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसेस, पीपल एंड नेटवर्क। हार्डवेयर मतलब मशीन, सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम, डेटा मतलब रॉ फैक्ट, यस नो, पीपल मतलब लोग दैट इज यूजर्स, यस नो, प्रोसेस मतलब सेट ऑफ एक्टिविटीज यूज टू कन्वर्ट व्हाट इनपुट इनटू आउटपुट और गवर्न द ऑपरेशन, बराबर है। एंड देन इसके बाद लास्ट पॉइंट था नेटवर्क, नेटवर्क का काम क्या था, बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ना,
देन इसके बाद हमारे पास आता है कंपोनेंट्स हो गए ना, इसके बाद हमारे पास आता है इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन मतलब मैंने बताया इंप्लीकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम वो है वेयर वी इंप्लाई, इंप्लाई का मतलब सिटी डिस्क, सिटी पे इंप्लाई करना था, यस नो। तो सी फॉर क्या था, गेन एज इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, गेन एज इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये रहा। देन इसके बाद था टी फॉर सिटी डिस्क, याद आया क्या, सिटी डिस्क, सी फॉर गेन एज इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, टी फॉर टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, डी फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, I for innovative ideas, yes, no? S for strategy formulation, and then K for knowledge gathered, which can be used in unusual situation. Then इसके बाद हमारे पास implication हो गया। Now इसके बाद हमने application of information system कर लिया, कौन सा था, competitive advantage था, ये रहा आपका competitive advantage, strategic competitive advantage। Then इसके बाद 2.9 पे है, yes, no? ओके, देन इसके बाद था डिसीजन मेकिंग एंड लास्ट पॉइंट था दैट इज प्रोसेस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहाँ पे हो गया, टॉप पे, डिसीजन मेकिंग हो गया मिडिल पे, एंड ऑपरेशन हो गया लोअर पे। देन इसके बाद डिफरेंट आईएसएफ हमने बता दिया, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजिक सिस्टम, देन इसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट दैट इज मैनेजमेंट सिस्टम, फोर्थ इज ऑपरेशनल सिस्टम। अब यहाँ पे आता है एरियाज ऑफ बीआईएस, क्या रहा है एरियाज ऑफ बी आई एस। तो एरियाज कौन कौन सा, मैंने बोला था इन्वेंट्री से स्टार्ट करेंगे, तो पहला था इन्वेंट्री, सेकेंड था प्रोडक्शन, थर्ड इज मार्केटिंग एंड सेल्स, फोर्थ इज फिनेंस एंड अकाउंटिंग, एंड फिफ्थ इज एच आर। ये पांच एरियाज थे जहां पे आप यूज कर सकते हैं सिस्टम को। देन इसके बाद हमारे पास लास्ट था व्हाट आर द नॉलेज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एम आई एस इफेक्टिवली। तो यहां पे आ गया आपके पास, उसी के ऊपर था, ये रहा पेज नंबर है आपका 2.10 पे, उसको आप देख लो, नॉलेज टू ऑपरेट आईएस इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। तो यहां पे टिप्स हमने बताया था, नॉलेज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट आईएस, बताइए जरा फट से क्या क्या था। बॉयफ्रेंड को अपना आइटम सॉन्ग डेवलप और मैनेज करने का नॉलेज होना चाहिए। तो बॉय मतलब बिजनेस एप्लीकेशन, फ्रेंड मतलब फाउंडेशन कॉन्सेप्ट, आइटम सॉन्ग मतलब क्या था, आईटी दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यस नो। तो आइटम सॉन्ग, देन इसके बाद हमारे पास डेवलप करना था एंड देन इसे मैनेज करना था, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड मैनेजमेंट चैलेंज। तो बॉयफ्रेंड का मतलब क्या हो गया, हाँ जी, बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन मतलब आपको आईटी का नॉलेज होना चाहिए, मेजर यूज ऑफ आईटी इन बिजनेस स्टेप्स, मैंने आपको बताया था वो बार कोड रीडर वाला एग्जांपल। फाउंडेशन कॉन्सेप्ट था बॉस, फाउंडेशन कॉन्सेप्ट में हमने किसकी बात की थी, आपके पास एटलीस्ट बिजनेस का फाउंडेशन नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट बिजनेस है क्या। तीसरा आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ पे सारा का सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस नेटवर्क सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। डेवलपमेंट प्रोसेस, यहाँ पे स्टेप्स का नॉलेज होना चाहिए, यस और नो। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड हाउ टू डेवलप द सिस्टम, यूजर हैज टू हैव नॉलेज अबाउट हाउ एंड यूजर आईएएस स्पेशलिस्ट डेवलप व्हाट एग्जीक्यूट बिजनेस आईटी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे किसका नॉलेज होना चाहिए, स्टेप्स का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे आप सिस्टम को डेवलप कर सकते हो। मैनेजमेंट चैलेंजेस, यहाँ पे कैसे अपडेट करना है उसका नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे मेंटेन्ड आ गया, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अपडेशन, हाउ टू अपडेट, क्लियर नॉट क्लियर। देन इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस, हमने ये तीन चीजें अभी तक कंप्लीट कर लिया, दैट इज टीपीएस, एमआईएस एंड डीएसएस। टीपीएस क्या बोलते हैं बॉस, आ जाते हैं हम टीपीएस में, यस, टीपीएस क्या बोलता है, इट इज यूज्ड एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये प्रोसेस करता है, रिकॉर्ड करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मैनिपुलेट करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन। बट प्रोसेसिंग जो है वो दो तरीके से होगी, ऑनलाइन प्रोसेसिंग एंड बैच प्रोसेसिंग। ये बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैंने आपको बताया था इफ देयर इज नो टीपीएस देयर इज नो एमआईएस। ये सिर्फ इंटरनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ये यूजर फ्रेंडली होता है, ये इंफॉर्मेशन क्या करता है, अपडेट करता है, बट यहाँ पे ये डिसीजन नहीं ले सकता है। देन इसके बाद आता है हमारे पास एक्टिविटीज। अब यहाँ पे देखिए तीन क्वेश्चन है, एक तो कंपोनेंट्स है, दूसरा फीचर्स है, तीसरी यहाँ पे लिख लीजिए एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज क्या थी बॉस, एक्टिविटीज था कैप्चरिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, जनरेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग ऑफ क्वेरीज। ये आ गया कैप्चरिंग डेटा दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इनपुट, प्रोसेसिंग ऑफ फाइल्स दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोसेस, जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज व्हाट कॉल्ड एज आउटपुट, एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्वेरीज दैट इज व्हाट कॉल्ड एज क्वेरी, ऑल्ट F12। देन दूसरा था हमारे पास कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या था,
इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, इनपुट मतलब मैंने बोला था कहां से, तो सोर्स डॉक्यूमेंट, प्रोसेस कहां पे, दैट इज जनरल्स एंड लेजर्स रजिस्टर्स पे होना चाहिए, स्टोर कहां पे होएगा बॉस, आउटपुट, यस आउटपुट मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेल्स रिपोर्ट यहां पे एग्जांपल मैंने दिया था, यस हम वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं, स्टोरेज मतलब कहां पे, लेजर्स एंड फाइल्स पे, देन इसके बाद होता है फीचर्स, फीचर्स ऑफ टीपीएस क्या था, बॉल्स, बॉल्स मतलब बेनिफिट्स आर इजीली मेजरेबल, यस नो, ए फॉर ऑटोमेशन ऑफ बेसिक ऑपरेशन, एल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, यस नो, एंड एस फॉर क्या था, सोर्स ऑफ इनपुट फॉर अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, बी फॉर बेनिफिट्स आर इजीली मेजरेबल, ए फॉर ऑटोमेशन ऑफ बेसिक ऑपरेशन, एल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, एस फॉर सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉर सोर्स ऑफ इनपुट फॉर अदर इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये हमारे पास टीपीएस के तीन क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। देन विल कम टू व्हाट एमआईएस, एमआईएस क्या बोलता है, क्या ये ऑल लेवल पे यूज होता है, यस, क्या ये इन्फॉर्मेशन को मैनेज करता है, फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर, यस, एंड सपोर्ट्स इन मेकिंग डिसीजन, डिसीजन लेता नहीं है, डिसीजन लेने में मदद करता है, इट इज एन एक्सटेंशन एक्सपेंशन ऑफ टीपीएस, क्योंकि ये टीपीएस का रिजल्ट यूज करता है, क्या ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर में अवेलेबल है, यस, इट प्रोवाइड्स व्हाट इंटरनल इन्फॉर्मेशन इन मोर समराइज फॉर्मेट, क्या ये राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रेलेवेंट एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स व्हाट राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस, यस और नो, यस, देन इसके बाद क्या ये वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, यस, वाइज वाइज रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्या ये एक्सेप्शनल रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, यस, क्या ये एडहॉक इन्फॉर्मेशन, नहीं, एडहॉक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, यूजर फ्रेंडली, क्या ये यूजर फ्रेंडली सिस्टम है, यस, अब इसके पांच क्वेश्चंस हैं, व्हाट द कैरेक्टर्स, व्हाट द प्रीरिक्विजिट्स, मिसकंसेप्शन, कंस्ट्रेंट एंड लिमिटेशन, व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस, मामा ने लस्सी पी, मैंने आपको बताया था कि मामा क्या करेगा यहाँ पे, मामा लस्सी पिएगा, मामा ने लस्सी पी, मामा कैसे लस्सी पी रहा है बस, एम फॉर क्या था, मैनेजमेंट ओरिएंटेड, एम फॉर मैनेजमेंट डायरेक्टेड, एन फॉर नीड बेस्ड, ई फॉर एक्सेप्शन बेस्ड, एल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यस और नो, देन एस फॉर क्या था, सब सिस्टम कॉन्सेप्ट, सी फॉर क्या था, कॉमन डेटा फ्लोस, कॉमन डेटा बेस, सी फॉर कंप्यूटराइजेशन, आई फॉर इंटीग्रेशन, यहां पे क्या बोल रहा है, सबसे पहला यस मामा ने लस्सी पी, एम फॉर मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड, एन फॉर नीड बेस्ड, ई फॉर एक्सेप्शन बेस्ड, एल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एस फॉर सब सिस्टम कॉन्सेप्ट, सी फॉर कॉमन डेटा बेस, कॉमन डेटा फ्लो, सी फॉर कंप्यूटराइजेशन, आई फॉर इंटीग्रेशन, बराबर है क्या, यस, नाउ एक बार फिर से हम बोलते हैं, पहला था, हाँ जी, पहला था मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड, एन फॉर नीड बेस्ड, ई फॉर एक्सेप्शन बेस्ड, एल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एस फॉर सब सिस्टम कॉन्सेप्ट, सी फॉर कॉमन डेटा बेस, कॉमन डेटा फ्लोज, सी फॉर कंप्यूटराइजेशन, आई फॉर इंटीग्रेशन। नाउ इसके बाद आता है हमारे पास प्रीरिक्विजिट्स, प्रीरिक्विजिट्स में टिप्स मैंने दिया था आपको, एसटीडी ऑफ इवैल्यूएटेड एमआईएस, एस फॉर क्या था, STD of evaluated MIS, S for क्या था boss, S for top management support, sorry, S for क्या था system and staff, बराबर है क्या, तो S for क्या हो गया, system and staff, S for qualified system and management staff, system कितने, कौन access करेगा, qualified officers, और staff दो तरीके से था, याद आ रहा है क्या, दो तरीके, कौन कौन से, टेक्निकल स्टाफ एंड मैनेजमेंट स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ का काम करता है बॉस, टेक्निकल स्टाफ काम करता है कि उसके पास 100% कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज मैनेजमेंट का होना चाहिए, मैनेजमेंट स्टाफ के पास 100% नॉलेज मैनेजमेंट का होना चाहिए, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए, टी फॉर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, अगर सपोर्ट चाहिए टॉप मैनेजमेंट का, क्या उसको मेरिट्स अबाउट द सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो फाइनेंस इशू करेगा, डी फॉर क्या था, डेटाबेस होना चाहिए यहाँ पे, यस और नो, डेटाबेस का मतलब क्या, वन और मोर डेटाबेस जहाँ पे मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली उसे एक्सेस कर सकते हैं, ओके, देन डी फॉर हो गया, इवैल्यूएशन ऑफ एमआईएस, एमआईएस का क्या करना है, कंपैरिजन, बहुत सारे एमआईएस होंगे, आप कंपेयर करोगे, सेलेक्ट करोगे बेस्ट वन किसके बेसिस पे, फ्लेक्सिबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड गाइडेंस के बेसिस पे, एंड लास्ट पॉइंट जो आता है, दैट इज कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ एमआईएस, कंट्रोल का मतलब डोंट यूज शॉर्टकट्स, फॉलो द स्टैंडर्ड पाथ, एंड मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, अपडेशंस, तो सिस्टम मस्ट बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब आता है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, मिसकॉन्सेप्शन अबाउट एमआईएस, तो मिसकॉन्सेप्शन क्या था बॉस, एमआईएस का मिसकॉन्सेप्शन क्या था, एनी सीबीआईएस इज एमआईएस, नो, एनी सीबीआईएस नॉट एमआईएस, एमएस वर्ड का एग्जांपल दिया था हमने, एनी रिपोर्टिंग सिस्टम इज एमआईएस, नो, एटीएम का एग्जांपल दिया था, मैनेजमेंट टेक्निक, इट इज नॉट अ मैनेजमेंट टेक्निक, इट इज अ सॉफ्टवेयर,
बराबर, इट इज अ बंच ऑफ टेक्नोलॉजी, नो इट इज नॉट अ बंच ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज अ सिंगल टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर, जो हमने थर्ड पॉइंट में बताया. फोर्थ पॉइंट, इट इज ऑर्गेनाइज इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, नो इट इज एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, फाइल स्ट्रक्चर नहीं आएगा वो आप कट कर दीजिएगा, यस नो. इट इज एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, नो इट इज नॉट एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, इट इज एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, डिपार्टमेंटल सिस्टम्स, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, अकाउंटिंग के लिए अलग है, टैक्स के लिए अलग है. स्टडी ऑफ एम आई एस, स्टडी ऑफ कंप्यूटर, नो इट इज जस्ट अ टूल टू ऑपरेट एम आई एस. मोर डेटा इन जनरेटेड इन रिपोर्ट्स मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजर, नो. ज्यादा डेटा का मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इट इज द क्वालिटी वॉट वी रिक्वायर्ड. एंड लास्ट पॉइंट, एक्यूरेसी प्लेज अ वाइटल रोल टू द एक्सटेंट इट इज करेक्ट, बिकॉज एट बॉटम लेवल एक्यूरेसी इज रियली रिक्वायर्ड, बट एट टॉप लेवल एक्यूरेसी इज नॉट दैट रियली रिक्वायर्ड, अप्रॉक्स इन्फॉर्मेशन इज मोर देन सफिशियंट. देन इसके बाद आता है हमारे पास कंस्ट्रेंट एंड लिमिटेशन. तो पहला आता है हमारे पास कंस्ट्रेंट इन ऑपरेटिंग एम आई एस, याद आ गया अगर, कंस्ट्रेंट का मतलब बॉस हेलेन दीदी, यस नो. एच फॉर क्या है, हाई टर्नओवर ऑफ एक्सपर्ट. एल फॉर क्या है, लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम स्टाफ, यस नो. एन फॉर क्या था बॉस, नो स्टैंडर्डाइजेशन. एन फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट. डी फॉर डिफिकल्टी इन क्वांटिफाइंग द बेनिफिट्स एंड डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ सब सिस्टम. अगेन एक बार बोलेंगे हम, एच फॉर क्या था, हाई टर्नओवर ऑफ एक्सपर्ट्स. एल फॉर लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम स्टाफ. एन फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट. एन फॉर नो स्टैंडर्डाइजेशन. डी फॉर डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ सब सिस्टम. एंड डी फॉर डिफिकल्टी इन क्वांटिफाइंग द बेनिफिट्स. देन इसके बाद हमारे पास आता है, तो यहां पे हमारा कंस्ट्रेंट कंप्लीट हो गया. एंड देन लिमिटेशन, लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे पास ये रहा लिमिटेशन. हाँ जी, क्या बोल रहा है लिमिटेशन में, लिमिटेशन ऑफ टीटी, याद आ रहा है क्या, लिमिटेशन ऑफ टीटी, लिमिटेशन ऑफ टीटी. तो यहां पे क्या बोला था, एल फॉर इट इज लेस यूजफुल फॉर सॉल्विंग व्हाट, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम. आई फॉर क्या था, बैड इनपुट बैड आउटपुट, तो इनपुट अगर गंदा तो आउटपुट भी गंदा. एम फॉर क्या था, अगर मैनेजमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज होगा तो इट विल बिकम व्हाट, इनफ्लेक्सिबल. अगर इन्वायरमेंट भी चेंज फ्रिक्वेंटली होगा तो इट विल बिकम व्हाट, इनफ्लेक्सिबल. टी फॉर क्या बोलते, इफ देयर इज नो टीपीएस देयर इज नो एमआईएस. ए फॉर एडहॉक इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय एमआईएस. टी फॉर नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह, यहां पे एमआईएस कवर नहीं करेगा. E for it provides only internal data and not external data, use नहीं करता है. O for auditing का जहाँ पे culture है वहाँ पे MIS अच्छे से काम नहीं करेगा. Yes no, it has no substitute. अगर accounting के लिए tally चाहिए तो tally ही उसे चाहिए होगा. T for क्या बोलते हैं, बहुत सारे function provide करेगा but tight integration provide नहीं करता. And T for it does not provide tailor made information. तो यहां पे जो टीटी लिमिटेशन ऑफ एमआईएस है वो क्या बोल रहा है, इट इज लेस यूजफुल अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स. आई फॉर बैड इनपुट बैड आउटपुट. एम फॉर क्या बोल रहा है, ये इनफ्लेक्सिबल इफ देयर इज अ चेंजेस फ्रीक्वेंटली इन मैनेजमेंट, इनफ्लेक्सिबल इफ देयर इज चेंज इन एनवायरमेंट. देन इसके बाद टी फॉर नो टीपीएस नो एमआईएस. ए एडहॉक इन्फॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड. ओके. टी फॉर नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, फीलिंग इमोशंस कवर नहीं करेगा. ए फॉर एडहॉक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा. लिमिटेशन ओ फॉर होल्डिंग कल्चर है तो एमआईएस इफेक्टिव नहीं रहेगा. एंड फॉर नो सब्स्टिट्यूट चाहिए, मतलब उसे चाहिए. टी फॉर क्या बोलता है, बहुत सारे फंक्शन बट टाइट इंटीग्रेशन प्रोवाइड नहीं करेगा. एंड टी फॉर क्या बोल रहा है, यस टेलर मेड इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा, एटलीस्ट यू हैव टू प्रोवाइड व्हाट इनपुट. यहाँ पे हमारा एम आई एस पूरा कंप्लीट हो जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स, मामा ने लस्सी पी, ये मामा याद आ गया. यहाँ पे प्रीक्विजिट में एसटीडी याद आ जाना चाहिए. मिसकॉन्सेप्शन वो एवरी सीबीआईएस वगैरह वाला था. कंस्ट्रेंट हेलेन दीदी याद आना. एंड इधर लिमिटेशन में बॉस जो है दैट इज व्हाट कॉल्ड लिमिटेशन एज इट इज ऑफ टीटी. नाउ इसके बाद हमारे पास आता है डीएसएस सिस्टम. नाउ डीएसएस जो सिस्टम है बॉस, सबसे पहला क्या बोलता है, इट इज यूज्ड एट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यस नो, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ने ऑल भी दिया है. तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया था कि प्रैक्टिकली एक्चुअल में जब डीएसएस आप यूज कर रहे होगे तो वो मिडिल लेवल पे, बट वो जो सिस्टम है वो तीनों जगह पे अवेलेबल है. आप चाहो तो एक्सेस कर सकते हो, नहीं चाहो तो एक्सेस करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे क्या बोला है, इट इज यूज्ड एट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, टीपीएस एंड एमआईएस. क्या ये फॉर्मुला बेस्ड सिस्टम है, यस. क्या ये इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, यस. क्या ये यूजर फ्रेंडली सिस्टम है, यस. क्या ये इंसान का दिमाग यूज करेगा, यस. क्या इसके पास मॉडल बेस्ड, डेटा बेस्ड, यूजर इंटरफेस तीनों भी रहेगा, यस. क्या ये ग्रुप को सपोर्ट करता है, यस. एग्जाम्पल्स ऑफ डीएसएस मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया. ना इसके बाद क्वेश्चन इसमें कितने थे, कैरेक्टरिस्टिक्स था, कंपोनेंट्स था, एग्जाम्पल्स था, डिफरेंस बिटवीन एमआईएस एंड डीएसएस. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
DSS, तो मैंने बोला UUF occurs at all level of management of Sufi by computers by evolving over time. Yes or no? U for क्या है? Unstructured problem solve करेगा. Easy to use है. That is user friendly. F for flexible है. Occurs at all level of management Sufi. S for क्या? Support decision. U for use for decision. F for क्या था? Focus on decision. H for क्या था? Helps group rather than individual. I for क्या बोलते हैं boss? Impact on decision. कंप्यूटर स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड इवॉल्विंग ओवर टाइम, मतलब अपडेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस. कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस मैंने बोला था, देयर हैज टू बी यूजर, देयर हैज टू बी प्लानिंग लैंग्वेज, देयर हैज टू बी मॉडल बेस एंड देयर हैज टू बी डेटाबेस. डेटाबेस इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटाबेस. यूजर कौन है? जो कोई भी डिसीजन ले सकता है, मैनेजर होता है एक्चुअल में. डेटाबेस कैसा होना चाहिए? वन और मोर डेटाबेस. इंटरनल इज अपडेटेड बाय टीपीएस, एक्सटर्नल इज अपडेटेड बाय ईआईएस, दैट इज इंटरनेट के थ्रू. तीसरा है प्लानिंग लैंग्वेज. प्लानिंग लैंग्वेज बहुत, हमारे पास तीन थे. कौन कौन से थे? दो थे. अच्छा, प्लानिंग लैंग्वेज होता क्या? इट्स अ कम्युनिकेशन पाथ थ्रू विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द मॉडल बेस. मॉडल बेस से जो इंटरेक्ट करे, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्लानिंग लैंग्वेज. ओके, स्पेशल दो तरीके से होता है, जीपीपीएल एंड एसपीपीएल. जीपीपीएल मतलब जो जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, रूटीन प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यस नो, कैलकुलेशन वगैरह से रिलेटेड. एंड एसपीपीएल क्या हो जाता है? जो आपका स्टैटिस्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करता है, विच रिक्वायर्स व्हाट? यूनिक यूजर इंटरफेस. मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, सैस, स्पैस एंड मिनी टैब. नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, मॉडल बेस. मॉडल बेस क्या? इट इज अ ब्रेन ऑफ डीएसएस वेयर ऑल द फॉर्मुलेस एंड लॉजिक्स आर स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड. ओके, क्या यहाँ पे डिसीजन इसी के थ्रू लिया जाता है? यस, डिसीजन. ये क्या फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म्स ऑफ फॉर्मूला, कि आपको कैसे प्रॉब्लम को डिफाइन करना है. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था इसी के अंदर, दैट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस. तीन तरीके से, तीन स्टेज थे, फिजिकल इंप्लीमेंटेशन, लॉजिकल इंप्लीमेंट एंड एक्सटर्नल. फिजिकल इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या हो गया? जहां पे आप फिजिकल डेटा क्या करते हो? डिफाइन करते हो. लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन, उन डेटा के बीच में आप रिलेशनशिप प्रोवाइड करते हो. और तीसरा, रिलेशनशिप के बनाने, प्रोवाइड करने के बाद आप एक ही डेटा को अलग अलग तरीके से देख सकते हो. इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ व्यूइंग द सेम डेटा इन डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल पैटर्न. एग्जाम्पल मैंने बोला था, सेल्स डेटा कैन बी व्यूड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअली. यहाँ पे हमारा DSS का जो सारा पॉइंट है वो कंप्लीट होता है. इसके बाद हमारे पास कंपोनेंट्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. नाउ एग्जांपल्स एंड डिफरेंस बिटवीन DSS एंड MIS. एग्जांपल्स क्या था बॉस? टू कॉस्टिंग, टू SFM, वन जनरल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. टू कॉस्टिंग में कौन कौन? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड बजट वेरियंस एनालिसिस. बजट वेरियंस एनालिसिस था. दूसरा SFM से रिलेटेड दो क्वेश्चन था, एक तो इन्वेस्टमेंट था और दूसरा हमारे पास था, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस. एंड लास्ट पॉइंट था हमारे पास, वन जनरल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ओके, नाउ इसके बाद डिफरेंस बिटवीन DSS एंड MIS. तो डिफरेंस DSS एंड MIS क्या बोलता है? हाँ जी, फिलोसफी एंड डिजाइन फॉर सोफा. ये सुनो, फिलोसफी मतलब क्या था? यहाँ पे हम टूल्स प्रोवाइड करेंगे क्या करने के लिए? डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए, मॉडल बेस डिजाइन करने के लिए एंड लैंग्वेज डिजाइन करने के, जो हमें किसको प्रोवाइड करना है? यूजर को. और वो किसकी बात कर रहा था? सिर्फ इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, उसके बेस हमारा फिलोसफी रहेगा. ना इसके बाद डिजाइन किसकी बात कर रहा है? डिजाइन मतलब डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक यूजर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट. एस फॉर क्या था? सिस्टम एनालिसिस. यहाँ पे जो भी आप एनालिसिस करोगे, इसका पूरा फोकस टूल्स पे रहेगा, यस नो, डिसीजन लेने के लिए. इसका जो पूरा फोकस रहेगा, दैट इज इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट के लिए. ओ फॉर क्या था? ओरिएंटेशन. वो क्या है? एक एक्सटर्नल है, दूसरा इंटरनल है. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, DSS MIS कम फ्लेक्सिबल है. एंड ए फॉर एनालिसिस, DSS में ज्यादा होएगा एंड MIS में कम होएगा. तो ये हमारे पास आज तक का जितना भी हमने कवर किया, ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे रिवीजन था बॉस. नेक्स्ट सेशन में जो हम स्टार्ट करेंगे, अब EIS पे स्टार्ट करेंगे. एंड अब लास्ट सेशन पे हमारा एक रिवीजन कवर होगा, जो पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा, है ना. तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए. बाकी सेशन हम, बाकी जो EIS है वो नेक्स्ट सेशन पे कवर करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.